बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 14 का ही नेक्स्ट एक टॉपिक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक की जो अफादियत है, जो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, वो पिछले टॉपिक से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मज़े का है। देखें, हमने पिछले टॉपिक्स में देखा कि एक कंडक्टर है जिसमें से एक करंट पास करता है, और अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पे एग्जर्ट होती है एक फोर्स। अब इसको थोड़ा और डीपली सोचें, कंडक्टर बजाते खुद क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ चार्जेस। लेट से ये एक चार्ज क्यू है, और चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम क्या है? करंट। तो करंट बेसिकली बिकॉज ऑफ चार्जेस है। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो पूरे कंडक्टर पर लगती है वो एक्चुअल में कंडक्टर के सारे चार्जेस पर लगती है। तो अब हमने यही करना है कि हमने पूरे कंडक्टर की बजाय कैलकुलेट करना है किसी एक सिंगल चार्ज पर लगने वाली फोर्स। याद रहे कि ये फोर्स एक सिंगल चार्ज पर कैलकुलेट करेंगे हम। तो उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल पहले बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर टोटल 9 स्पॉट्स हैं। एक फर्जी एग्जांपल है बस एक बात समझाने के लिए। हम कहते हैं कि इस पूरे बॉक्स पर जो फोर्स लग रही है, इन पूरे 9 स्पॉट्स पर जो फोर्स लग रही है वो है 90 न्यूटन। 9 के 9 स्पॉट्स पर लगने वाली फोर्स है 90 न्यूटन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी एक सिंगल स्पॉट पर कितनी फोर्स लग रही, तो आप लिखेंगे F1, यानी एक सिंगल स्पॉट पर। उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल F9, 9 स्पॉट्स पर लगने वाली फोर्सेस को टोटल नंबर ऑफ स्पॉट्स पे क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी आप 90 न्यूटन को सिंपली 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 न्यूटन। इट मींस एक सिंगल स्पॉट पे लगने वाली फोर्स 10 न्यूटन है। तो आज का टॉपिक भी हम यूँ ही डिराइव करेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पर जो फोर्स होगी वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उस फोर्स को टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पे डिवाइड करेंगे। तो हमारी डेरिवेशनल प्रोसीजरिंग ये है कि ये कंडक्टर का पोर्शन है जिसकी लेंथ L है, उसमें चार्ज Q है जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स है। इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। सो हम कहेंगे एरिया ऑफ कंडक्टर A, लेंथ ऑफ कंडक्टर L, सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, AL। यहीं पर एक और चीज़ ऐड करते चलेंगे, ये कंडक्टर चूंकि चार्जेस पर मुश्तमिल है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं कंडक्टर में, लेट देयर क्वांटिटी बी एन, और हर एक चार्ज पर कितना चार्ज है या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेट इट बी क्यू। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें, 1, 2 और 3, ये भी आगे जाके काम आएंगी। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स बना रहा हूँ ताकि आप फोकस यहीं पे रखें। अब जैसे हमने पढ़ा था कि पूरे कंडक्टर पे फोर्स है I इंटू एल क्रॉस बी, एज वी नो दैट करंट हैज़ दिस फार्मूला, I इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक टोटल चार्ज और टोटल टाइम। अब टोटल चार्ज क्या है, देखें यही सारा प्रोसीजर मैं दोबारा पिक कर रहा हूं कि हमारे पास पूरा वॉल्यूम है AL और उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं N, और हर एक चार्ज पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है Q। तो सिंपली डेल Q के लिए हमारे पास जो नोटेशन आएगी कि N नंबर ऑफ चार्जेस हैं किस रीजन में, AL रीजन में, और हर एक पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो ये हम डेल क्यू यूज करेंगे। नंबर टू पॉइंट, टाइम इज इक्वल टू एस ओवर वी बाय सिंपल फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी, यहीं से आप फाइंड कर सकते हैं। अब टाइम, एस है डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस जो चार्ज ने कवर करना है, और ये डिस्टेंस है एल, किस रफ्तार से, वी रफ्तार से, तो एल ओवर वी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइम भी आ गया। ठीक है, अब जहां डेल्टा क्यू था वहां मैं लिखूंगा एन
ए एल क्यू, और जहां टी था वहां पे मैं लिख सकता हूं एल ओवर वी। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो रही है और वी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फोर्स ऑन टोटल चार्जेस, मैं यहां पे टी लिख रहा हूं ताकि याद रहे ये टोटल चार्जेस है, एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी। अब यहां नोटेशंस में थोड़ा सा फर्क देखना है आपने, ये एल वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वी स्केलर है। हमने वी और एल को अब रिप्लेस करना है, वी और एल को क्या करना है, रिप्लेस करना है। मैं यहां पर ये नोटेशन दे रहा हूं। अब गौर से एक चीज देखनी है आप लोगों ने, यही डायरेक्शन है लेंथ की और यही डायरेक्शन है वेलोसिटी की। तो हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में लेंथ का यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और दोनों के डायरेक्शन सेम है। अब लेंथ वेक्टर को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। बताता चलूं कि इस पूरे टॉपिक में स्टूडेंट सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है जहां पे आगे स्टूडेंट सबसे ज्यादा टॉपिक भूलते हैं। लेंथ और वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर्स इक्वल हैं या इक्वल सेम डायरेक्शन में, फिर वेक्टर को लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब देखें, एल इक्वल्स टू एल वी कैप। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूं कि लेंथ का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम है। अब लेंथ वेक्टर की जगह मैं एल वी कैप लिख सकता हूं, तो मैं यही फॉर्मूला दोबारा पिक करूंगा, एफ टोटल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी। अब जहां पर एल वेक्टर है ना वहां पर एल वी कैप लिखते हैं, एल वी कैप क्रॉस बी। थोड़ा सा तरतीब इसको दोबारा दे दें, एफ टोटल इज इक्वल टू एन ए क्यू एल, वी और वी कैप को इकट्ठा कर दें क्रॉस बी, एफ टोटल इज इक्वल टू एन ए एल क्यू, वी मैग्नीट्यूड और वी यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज वी वेक्टर। बिल्कुल उसी तरह जैसे एल वेक्टर लिखा है हम लिख सकते हैं वी, वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर, और साथ क्या आ जाएगा क्रॉस बी। तो यहां तक हो गई हमारी एक डेरिवेशन। नाउ वॉच, एंथ है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किस रीजन में, ए एल रीजन में। हमें फोर्स चाहिए थी कितने चार्जेस पर, सिंगल पर, तो हम क्यों ना करें कि टोटल फोर्स को डिवाइड कर दें एन ए एल पर। तो इससे हमें क्या मिलेगी, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल, और वो फोर्स क्या आ रही है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब इस फाइनल फॉर्मूला के लिए थोड़ा सा फर्दर बढ़ते हैं आगे। देखें, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस B। इस फॉर्मूला में अगली टेक्निकलिटी क्या है, चार्जेस की दो टाइप्स होती हैं, चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सो हम रीराइट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू प्लस माइनस Q इंटू वी क्रॉस B। अब प्लस माइनस का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अगर अपवर्ड लगेगी ना तो नेगेटिव चार्ज पे डाउनवर्ड लगेगी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है इसमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है बशर्ते के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंट्रेंस पे वो चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करता है रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज़ नॉट
एन एक्सेलरेटिंग फोर्स, इट इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है. एक्सेलरेटिंग फोर्स ना होने का मतलब यह है कि पार्टिकल जिस स्पीड से एंटर हुआ है ना, ये वो स्पीड चेंज नहीं करेगी. मैं वर्ड स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, स्पीड चेंज नहीं. हाँ, चूंकि वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है. तो अब ये जो सर्कुलर मोशन है, कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, हम यही इक्वेशन यूज करते हैं और देखते हैं कि पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं. लेट्स से हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और एंटर करते हैं लेट्स से हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अब देखें फिर वही राइट हैंड रूल. अब पहले थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, अब यही थंब वी को रिप्रेजेंट करेगा. पाम हथेली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब भी फोर्स ही को रिप्रेजेंट करेगी, और फिंगर्स पहले भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब भी मैग्नेटिक फील्ड ही को रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखें फील्ड इनटू द पेज, पॉजिटिव चार्ज है, ये एंट्रेंस हो रही, ये पॉजिटिव चार्ज एंटर होगा और जिस तरफ हथेली बन रही है यानी उस तरफ फोर्स लगनी है. तो जब ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, इट विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड और यू कैन से इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन एन एंटी क्लॉक वाइज सर्कल. सिमिलरली अगर एंटर हो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं. नंबर वन, आप सबसे पहले इसे अज्यूम कर लें कि ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही है, तो आप इस पर पॉजिटिव हैंड यूज कर लें. आप यूं समझें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्रॉस है, ये वी है, ये इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है. तो अगर ये पॉजिटिव होता तो इस पर फोर्स अपवर्ड लगनी थी, तो पॉजिटिव होता तो अपवर्ड लगनी थी, लेकिन अभी तो ये नेगेटिव है तो ये अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेगा. क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेगा, इट मींस कि जब भी चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं. अच्छा, यहीं से कुछ पॉइंट्स आगे डिस्क्राइब करता हूँ कि अभी तो मैं चार्जेस को एंटर कर रहा हूँ परपेंडिकुलरली, व्हाट विल हैपन कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर होता है. बी और वी के दरमियान एंगल जीरो है और साइन जीरो क्या होता है, ये पूरा फॉर्मूला क्या है भला, क्यू वी बी साइन थीटा. साइन जीरो, जीरो मींस नो फोर्स. तो रिमेंबर, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल जीरो है तो फिर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यहां से चला जाएगा. जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, मतलब फील्ड और चार्ज दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो एक परफेक्ट सर्कल बन रहा है. सवाल ये उठता है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल यूं एंटर हो रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है ना तो पैरेलल टू फील्ड है और ना परपेंडिकुलर टू फील्ड है, तो फिर क्या होगा? देखिए मैंने बताया परपेंडिकुलर है तो सर्कल, पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन. अब अगर ऐसा केस आ जाए कि फील्ड ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो आपने क्या करना है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना देने हैं. एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक इसका पैरेलल. अब दोनों डायरेक्शंस को इकट्ठा मर्ज करना. देखिए पैरेलल की वजह से ये चाहता है कि ये सीधा जाए, परपेंडिकुलर की वजह से इसकी विश है कि ये सर्कल में रिवॉल्व करे. अब चूंकि इसके पास दोनों कंपोनेंट्स हैं तो इसकी दोनों ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, यानी ये पार्टिकल आगे भी बढ़ता जाएगा और सर्कल में रिवॉल्व भी करता जाएगा, आगे भी बढ़ता जाएगा और सर्कल में रिवॉल्व भी करता जाएगा,
ये एक स्प्रिंग जैसी शक्ल बनाएगा जिस शक्ल को हेलिक्स बोलते हैं या हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस सारी बात का मकसद क्या था, मैं क्यों आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, मैंने आपसे शुरू में कहा था इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की मुजर शुआओं से बचाती है। ये रहा सूरज और ये हमारी ज़मीन, और ये हमारी ज़मीन के गिर्द एक्सटेंड करती हुई एक बहुत बड़े पैमाने पर मैग्नेटिक फील्ड। सूरज से जो रेडिएशंस हमारी ज़मीन की तरफ या जो हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, दे स्टार्ट ट्रैपिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इनको अपने अंदर ट्रैप करती है और हाई स्पीड की वजह से वो दूसरी साइड से ज़मीन को क्रॉस करके चले जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जो ज़मीन है वो इन मुजर शुआओं से बची रहती है। सो अब तक की कहानी में मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बताए और सिखाए, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी एंड F इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक है, यानी अगर आप बात ही इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू प्लस माइनस E इंटू वी क्रॉस बी, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस फार्मूले का जो फिर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो भी याद रखना है, F इज इक्वल टू ई वी बी। वन थिंग मोर के चूंकि पार्टिकल्स सर्कल में रिवॉल्व करते हैं तो यही ई वी बी एक्चुअल में एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। और यही चीज़ आगे जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो का टॉपिक आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक था फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।